नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अनुवाद हम इस राष्ट्रों की अब पर भरोसा करते हैं है देशवासी अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, देओल, दिव्या, खोसला कुमार, संतली, सिन्हा और नगमा द्वारा अभिनीत 2004 की भारतीय युद्ध फिल्म है। कथानक मेजर जनरल अमरजीत सिंह, अमिताभ बच्चन भारतीय सेना के लिए एक समर्पित अधिकारी है। उनका बेटा कैप्टन विक्रमजीत सिंह बॉबी देओल उनके नक्शो कदम पर चलता है और नौसेना में शामिल होता है। 1971 भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश में बैठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान में एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों को एक रेजिमेंट भी, जिसकी कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी द्वारा जहाज पर हमला किया जाता है, अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है। लेकिन उससे पहले कि वो साइज पूर्व के लगभग 100 फंसे हुए सैनिकों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है, चाहता है फिर US में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता सम्हारी दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का पर्व दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यारी करते हैं और उससे ही करते हैं, जबकि मृत माना लाल जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का यह युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिव जी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। ढाला मेजर जनरल अमरजीत सिंह संयुक्त के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देओल, विक्रमजीत सिंह कप्तान कुणाल, जीत कुणाल सिंह
मैनेजर के रूप में मेजर कुमार जीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह, राजीव की पत्नी और कुमार की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साथी की रूप में नगमा अर्थी, विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की माँ के रूप में कुणाल, विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षक शर्मा, कप्तान लोक के रूप में कपिल शर्मा, युद्ध में पृथक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी निंजोप्पा, सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विकट शोक सुरेंद्र पल, त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जकारिया, राजेश बेबेक, सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है, गाने वे बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें वाह प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस यह खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए बेबी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने सुश्मित कटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन वो से हमेशा शर्मिंद रहे थे क्योंकि वो अभी की जवेद वाली थी और अंग्रेजों में ही बोल पाती है, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाई या बेबी की चाहती थी कि समझित थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और रश्मित जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखते हैं बात करते हैं आदतों में आधुनिक दिल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी बेदी रिश्तेदार देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना असंभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ एसोसी है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुहांस कहती बेबी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, सर स्मित को परजून सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनलन लौटते पर जस्मिदीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और संत है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी बर्जुन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कई कानूनी पूत नहीं है, जब स्मित को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलवाया जाता है तो उसे काफ़ी गलैया दी जाती है, ईस्ट रिजिंग इंडियन होप ब्रिटिश जय श्री राम, साथ ही प्रिंस चर्चित का है कि ग्रंथ जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा, गुंडे के हाथ अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्कूल माँ बंधन ड्रिनोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की भक्त शामिल है, इस अवधि के दौरान तेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ तो एक रुग्बी मैच होता है जिसमें देशी जीडियो विजयी होते हैं और ब्राउन उनके पति मैघिक रूप से मानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने इमरान बनने की अपना नाम मैनुअल या ईमान के बदले के साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि इनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करता है और जुर्जेन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहां वे अर्जुन को मोटरसाइकिलिंग की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने सात अरब अंग्रेजों बोलने जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सुविधाओं को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शे कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं, अमरजीत का विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तलपति
गोली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई को में मारा जाता है। कई साल बाद जाते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह भावी देवल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहां रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पिता मिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रिश्तों की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है, उन्हें अपनी नवविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा था। उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धपति भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उसके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, हस्ती दिग्रस्त हो जाते हैं और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीव एक तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास स्वार्थ और स्वार्थ से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर यूएस मीर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालने के पर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सतर्क हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइसपूर्व के लगभग 100 फंसे हुए सैनिकों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर यूएस में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का पर्व दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिवहन स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यारी करते हैं और उसे ही करते हैं, जबकि मृत माना लाल जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का या युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिव जी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। धारा मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देवल, विक्रमजीत सिंह कैप्टन कुणाल जीत कुणाल सिंह मेजर के रूप में मेजर कुणालजीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह राजीव की पत्नी और कुणाल की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साक्षी
की रूप में नगमा अर्थी विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की मां के रूप में कुणाल विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा कप्तान लोक के रूप में कंपनी शर्मा युद्ध में पृथक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी इंजोप्पा सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा मुकबुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव विकेट अशोक सुरेंद्र पल त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया आरिफ जकारिया राजेश विवेक सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है गाने वे बोल समीर के लिखे हैं गाना हमें तुम्हें वाह प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए खुद को स्थापित किया भारत लौट आए बेबी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने सस्मित कटरीना कैफ की जन्म दिया मनमोहन वो से हमेशा शर्मिंदा रहते हैं क्योंकि वो अभी की जवेत वाली थी और अंग्रेजों में नहीं बोल पाती है नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण बॉक्स अवसरों से बाहर कर दिया जबकि उन्होंने समझाई करण या बेबी की चाहती थी कि समझित थी उसकी तरह खत्म हो गए इसीलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और रश्मि की जेज में बदल गई एक खूबसूरत युवती देखने ही बात करते हैं आदतों में आदमी दिल उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी बेदी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना असंभव है हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसी हंसी है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है सुहांत कैथी बेबी मनमोहन अपने परिवार को भारत के तौर पर ले जाता है सब स्मित को अर्जुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है अनन लौटते पर जस्मुद्दीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडल नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और संग है यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी अर्जुन से अपनी शादी को सम्मान देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कहीं कानूनी रूप नहीं है जब स्मित को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलैया दी जाती है ईस्ट डिजिंग इंडियन रोप ब्रिटिश जय श्री राम साथ ही प्रिंट से चर्चित का एक उद्रंत जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है इसमें स्कूल में माँ बंधन डिनोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की विपरीत शामिल है इस अवधि के दौरान पेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी और अर्जुन के खिलाफ तो एक रुग्बी मैच होता है जिसमें देसी जीडियो विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मौखिक रूप से मानजनक होता है इमरान को तब सुहासान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमेनुअल्स या ईमान के बदले के साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि उनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करते हैं और जुर्जेन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों में अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ भी अर्जुन को मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं जब मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने साथ अहब अंग्रेजों बोल जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सुविधाओं को नष्ट कर देता जाता है मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देओल उनके नक्शो कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तारापति
होली होती है जो विक्रमजीत कार्रवाई में मारा जाता है। कई साल बाद जानते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह भावी देवल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने प्रीतोमिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उसे एक रिश्तों की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा खर्ची करती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए इंतजार किया गया है, उन्हें अपनी नवविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा था। उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धपति भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उसके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, अस्थि दिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग सी फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीत एक उत्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निस्वार्थ तो स्वभाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर US मीर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालने के पर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइंस पूर्व के लगभग 100 फंसे हुए सैनों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर US में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यार करते हैं और उससे भी करते हैं, जिसकी मृत माना ला लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का या युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिव जी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। ढाला मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देवल, विक्रमजीत सिंह
कैप्टन कुणाल जीत कुणाल सिंह, मेजर के रूप में मेजर कुणालजीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह, राजीव की पत्नी और कुणाल की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साक्षी के रूप में नगमा अर्थी विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की मां के रूप में कुणाल विक्रमजीत सिंह, बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा कप्तान, त्रिलोक के रूप में कपिल शर्मा, युद्ध में मृतक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी निंजोप्पा, सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकबुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विकेट शोक सुरेंद्र पल, त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जकारिया, राजेश बेबेक, सुखदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है, गाने वे के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें हुआ है प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस यह खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए बेबी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने स्मित कैटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन बोबो से हमेशा शर्मिंदा रहते हैं क्योंकि वो अभी जवेत वाली थी और अंग्रेजों में ही बोल पाती है, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाईकरण या बेबी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और स्मित जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखने हैं बात करते हैं आदतों में आधुनिक दिल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी द्विवेदी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना संभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन्द्र पटेल के साथ ऐसे होशी है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुहांत कैथी बेरी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, स्मित को अर्जुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनलन लौटते पर जस्मिदीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडल नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और संबंध है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी अर्जुन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कहीं कानूनी बूत नहीं है, जब स्मित को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलिया दी जाती है, ईस्ट रिजिंग इंडियन रोप ब्रिटिश जय श्री राम साथ ही प्रिंट से चर्चित का एक उद्रंत, जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ, अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्कूल में माँ बंडन डिनोमेट्री और ज्यामिति से अंग्रेजी शब्दों की विपरीत शामिल है, इस अवधि के दौरान पेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ एक रुग्बी मैच होता है जिसमें देसी जीडियो विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मैविक रूप से मानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इंग्लैंड छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमैनुअल या ईमान के बदले इसके साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि इनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करता है और अर्जुन सुजैन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ वे अर्जुन को मोटरसाइकिलिंग की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने साथ अब अंग्रेजों बोलना जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सुविधाओं को नष्ट कर देता चाहता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके
बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शो कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं। अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है, लेकिन तड़पती तब गोली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई में मारा जाता है। कई साल बाद जानते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह बॉबी देवल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं कि योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पिता मीता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रिश्तों की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है, उन्हें अपनी नवविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा था। उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव युद्धवती भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीत एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निस्वार्थ स्वभाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर यूएस मीर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मंच पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालते के पर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सतर्क हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साहसपूर्वक लगभग 100 फंसे हुए सैनों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर यूएस में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यार करते हैं और उससे भी करते हैं, जबकि मृत माना लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का यह युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिवजी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। धारा मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देवल, विक्रमजीत सिंह
कैप्टन कुणाल जीत कुणाल सिंह, मेजर के रूप में मेजर कुणाल जीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह, राजीव की पत्नी और कुणाल की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साक्षी की रूप में नगमा अर्थी, विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की मां के रूप में कुणाल, विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा कप्तान, त्रिलोक के रूप में कपिल शर्मा, युद्ध में मृतक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी निंजोप्पा, सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकबुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विकट शोक सुरेंद्र पल, त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जकारिया, राजेश विवेक, सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है, गाने वे के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें हुआ है प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए, खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए, बेबी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने सस्मित कटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन वो से हमेशा शर्मिंदा रहते हैं क्योंकि वो अभी की जवेत वाली थी और अंग्रेजों में नहीं बोल पाती है, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण बक्श अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाईकरण किया, बेबी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और स्मित जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखने हैं, बात करते हैं आदतों में आधुनिक दिल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी बेदी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना संभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसे होशी है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुहान कैथी बेरी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, स्मित को अर्जुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनलन लौटते पर जस्मिदीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और संत है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी अर्जुन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कहीं कानूनी सबूत नहीं है, जब स्मित को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलिया दी जाती है, इसिंग इंडियन होप पिक्टिस जय श्री राम, साथ ही पिंक से चर्चित का एक उद्रंत जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ, अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्कूल में माँ बंदन ट्रिग्नोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की विपरीत शामिल है, इस अवधि के दौरान पेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ एक रग्बी मैच होता है जिसमें देसी जीडियो विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मैविक रूप से मानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमेनुअल या ईमान के बदले इसके साथ साथ इसके लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि इनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करता है और अर्जुन सुजैन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ वे अर्जुन को मोटरसाइकिलिंग की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने साथ अब अंग्रेजों बोलना जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सुविधाओं को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शो कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं, अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तारापति
गोली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई में मारा जाता है। कई साल बाद जाते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह बॉबी देओल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन बाहर रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पितामिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रेस्तरां की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए इंतजार किया गया है। उन्हें अपनी नवविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहता है। उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धवती भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी जिसकी कमान उसके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग किसी फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीत एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निस्वार्थ स्वभाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर US मीर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालते के पर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सता हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइसपूर्वक लगभग 100 फंसे हुए सैनों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर US में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का बड़ा दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यार करते हैं और उससे भी करते हैं, जबकि ये तो माना लाल जगह था, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का या युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि युद्ध ही पाकिस्तानी अधिकारियों की नील भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिव जी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। धारा मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देओल, विक्रमजीत सिंह कप्तान कुणाल, जीत कुणाल सिंह
मैनेजर के रूप में मेजर कुमारजीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या, खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह, राजीव की पत्नी और कुमार की प्रेमिका बदली सिंह, कांडक्टर साथी के रूप में नगमा अर्थी, विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की माँ के रूप में कुणाल, विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा, कप्तान लोक के रूप में कंपनी शर्मा, युद्ध में पृथक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी, मिंजोप्पा सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विकट शोक सुरेंद्र पल, त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जकारिया, राजेश विवेक, सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है, गाने वे के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें हुआ है प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए, खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए, ये भी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने स्मित कटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन वो से हमेशा शर्मित रहे थे क्योंकि वो अभी की जरूरत वाली थी और अंग्रेजों में ही बोल पाती है, नतीजे तक उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण बॉक्स अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाई कर या वे भी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घूमने मिलने की प्रोत्साहित किया और रश्मित जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखने ही बात करते हैं आदतों में आकस्मिक दिल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी बेबी रिश्तेदार देशमुख से मिलने के लिए उधार दिया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना असंभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसे होशी है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमी का है, सुहांग कहती वे भी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, स्मित को परजुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनलन लौटते पर जस्मुद्दीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त पसंद है, यहाँ तक कि प्रेम से चार्ल्स के साथी भी बर्जुन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कोई कानूनी कुछ नहीं है, जब स्मिथ को ब्राउन परिवार के दोस्तों से ले जाया जाता है तो उसे काफ़ी गलैया दी जाती है, इसम साथ ही उनसे चर्चित है कि उद्रम के जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा दिल्ली के हाथ अर्जुन तब सचिन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्मृति में माँ बंदन ट्रिग्नोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की भक्त शामिल है, इस अवधि के दौरान तेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी इसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ तो एक रुग्बी मैच होता है जिसमें देसी जीतिया विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मैविक रूप से मानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना माम मेनुल्स या ईमान के बदले के साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि इनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान पीछा नहीं होने का फैसला करता है और अर्जुन विजयन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार करना जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अभियान में बड़े में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ वे अर्जुन को मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने सात अहब अंग्रेजों बोल जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सद्भाव को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह देवी देवल उनके नक्शो कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं, अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत ही गर्व है लेकिन तापदी
गोली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई को मारा जाता है। कई साल बाद जाते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह भावी देवल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहां रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपनी पितामिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उसे एक स्टेजी पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए टेंटाप किया गया है, उन्हें अपनी नवविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारी द्वारा पकड़ लिया जाता है, जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा था, उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धपति भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी सेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, राष्ट्रीय दिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग ही फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीव एक तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन इसके पास स्वार्थ स्वार्थ से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर US मीर में मिल जाते जाता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालते के पर विवर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइंस पूर्व के लगभग 100 फंसे हुए सैनों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर US में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यार करते हैं और उससे ही करते हैं, जबकि मैं तो माना लाल गया था, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का या युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि युद्ध ही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर विभाग भगवान शिव जी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। धारा मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देवल, विक्रमजीत सिंह कप्तान कुणाल, जीत कुणाल सिंह
मैनेजर के रूप में मेजर कुमारजीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या, खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह, राजीव की पत्नी और कुमार की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साथी के रूप में नगमा अर्थी, विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की माँ के रूप में कुणाल, विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा, कप्तान लोक के रूप में कंपिल शर्मा, युद्ध में पृथक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी, मुंजोपा सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विगत शोक सुरेंद्र पल, लोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जकारिया, राजेश विवेक, सुखदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है, गाने वे के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें वाह प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए, खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए, बेबी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने सस्मित कटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन बोगो से हमेशा शर्मिंद रहे थे क्योंकि वो अभी की जबरत वाली थी और अंग्रेजों में ही बोल पाती है, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण बक्स अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाई करण या बेबी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसलिए उसने उसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ मिलने मिलने की प्रोत्साहित किया और रिश्मी की जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखते हैं बात करते हैं आदतों में आदमी, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी बेबी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय जमात प्राप्त करना असंभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसी होती है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुहांस कहती बेबी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, स्मित को परचुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनलन लौटते पर जस्मिदीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और संगी है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथ ही भी बर्जुन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कोई कानून उठ नहीं है, जब स्मिथ को क्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलैया दी जाती है, इस बीजिंग इंडियन होप जय श्री राम, साथ ही उनसे चर्चित का है कि जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ, अर्जुन तब सचिन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्क्रीन माँ बल्लन ट्रिगोनोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की भक्ति शामिल है, इस अवधि के दौरान तेज अर्जुन को कबीर है जाता है जो अभी भी इसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ एक रग्बी मैच होता है जिसमें देसी जीडीएफ विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मैविक रूप से मानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमैनुएल या ईमान के बदले इसके साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि उनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करते हैं और अर्जुन हुसैन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ वे अर्जुन को मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने सात अरब अंग्रेजों बोलने जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को पूर्व आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सद्भाव को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शों कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं, अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तापदी
गोली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई को में मारा जाता है। कई साल बाद जानते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह बॉबी देओल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहां रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पितामिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रेस्तरों की पार्टी में आता है और श्वेता संभाले दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए इंतजार किया गया है, उन्हें अपनी अविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धवती भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, राष्ट्रीय दिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो आहसपूर्वक लगभग फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीव एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास इंसाफ और स्वार्थ से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर यूएस मीर में मिल जाते जाता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मंच पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालते के पर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमले खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइंस पूर्व के लगभग 100 फंसे हुए सैनों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में रहना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर यूएस में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यार करते हैं और उससे ही करते हैं, जबकि मैं तो माना लाल जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का या युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिव जी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। धारणा मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देओल, विक्रमजीत सिंह कप्तान कुणालजीत, कुणाल सिंह मेजर के रूप में मेजर कुणालजीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह राजीव की पत्नी और कुणाल की प्रेमिका बदली सिंह
वतन डॉक्टर साथी की रूप में नगमा आरती विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की मां के रूप में कुणाल विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा कप्तान त्रिलोक के रूप में कपिल शर्मा युद्ध में मृतक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी निंजोप्पा सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा मुकुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव विकेट शोक सुरेंद्र पल त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया आरिफ जकारिया राजेश विवेक सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है गाने वे ये बोल समीर के लिखे हैं गाना हमें तुम्हें हुआ है प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए खुद को स्थापित किया भारत लौट आए बेबी नैना वीडियो से शादी की और चार साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने रश्मित कैटरीना कैफ की जन्म दिया मनमोहन वो से हमेशा शर्मिंदा रहे थे क्योंकि वो अभी की जवेत वाली थी और अंग्रेजों में ही बोल पाती है नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण बक्स अवसरों से बाहर कर दिया जबकि उन्होंने समझाई कर या बेबी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए इसलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और रश्मित जेज में बदल गई एक खूबसूरत युवती देखते हैं बात करते हैं आदतों में आधुनिक दिल उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी बेदी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना असंभव है हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसा होती है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है सुहांस कैथी बेबी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है रश्मित को अर्जुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है अनलन लौटते पर जश्नुद्दीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त पसंद है यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथ ही भी बर्जन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कोई कानूनी उद नहीं है जब स्मिथ को क्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलैया दी जाती है ईस्टिंग इंडियन होप ब्रिटिश जय श्री राम साथ ही प्रिंस से चर्चित का एक ग्रंथ जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ अर्जुन तब सचिन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है इसमें स्कूल में माँ बंधन डिनोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की भव्यता शामिल है इस अवधि के दौरान पेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ तो एक रग्बी मैच होता है जिसमें देशी जीडियो विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मैभिक रूप से मानजनक होता है इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमेनुअल या ईमान के बदले इसके साथ साथ इसके लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि उनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करता है और जुर हुजैन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ वे अर्जुन को मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने साथ अब अंग्रेजों बोलने जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सुविधाओं को नष्ट कर देता जाता है मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शे कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तारापति तब
होली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई को में मारा जाता है। कई साल बाद जानते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह भावी देवल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पिता मीता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस रेस्टोरेंट की पार्टी में आता है और श्वेता संभाले दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए इंतजार किया गया है, उन्हें अपनी अनुविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था। राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा था। उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धवती भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उसके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग किसी फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीत एक उत्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास इंसाफ तो स्वाद से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर यूएस मीर में मिल जाते जाता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालते के पर ऊपर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्थिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइंस पूर्व के लगभग 100 फंसे हुए सैनों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास यथार्थ भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर यूएस में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यार करते हैं और उससे ही करते हैं, जबकि मैं तो माना लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का या युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिवजी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। धारा मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देवल, विक्रमजीत सिंह कैप्टन कुणाल, जीत कुणाल सिंह
मेजर के रूप में मेजर कर्नल जीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह, राजीव की पत्नी और कुमार की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साथी के रूप में नगमा आरती, विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की मां के रूप में कुणाल, विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा कप्तान, लोक के रूप में कपिल शर्मा, युद्ध में पृथक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी निंजोप्पा, सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विकट शोक सुरेंद्र पल, त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जकारिया, राजेश विवेक, सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है, गाने वे के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें हुआ है प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए, खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए, बेबी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने सस्मित कैटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन बोगो से हमेशा शर्मिंदा रहते हैं क्योंकि वो अभी की जगत वाली थी और अंग्रेजों में ही बोल पाती है, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण बक्स अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाई कर्म या बेबी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और स्मित जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखने ही बात करते हैं आदतों में आधुनिक दिल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी वेदी रिश्तेदार देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय जमात प्राप्त करना असंभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदेब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसे होती है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुहान कहती बेबी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, सर स्मित को परजुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनलन लौटते पर जस्मुद्दीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और इसके अच्छे दोस्त और संतु है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी बर्जुन से अपने शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कोई कानूनी सबूत नहीं है, जब स्मित को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलैया दी जाती है, इसम इंडियन ग्रोप ब्रिटिश जय श्री राम, साथ ही इनसे चर्चित का एक उद्रंत जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ, अर्जुन तब सज्जन को भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्कूल माँ बंधन ट्रिग्नोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की विपरीत शामिल है, इस अवधि के दौरान पेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी इसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी और अर्जुन के खिलाफ एक रुग्बी मैच होता है जिसमें देशी जीडीएफ विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मौखिक रूप से मानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमैनुएल या ईमान के बदले इसके साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि इनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करते हैं और अर्जुन हुसैन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ वे अर्जुन को मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने 7 अरब अंग्रेजों बोलने जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सुविधाओं को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शे कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं, अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तारापति तब
गोली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई को में मारा जाता है। कई साल बाद जाते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह भावी देवल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं कि योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पितामिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रेस्तरा की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है, उन्हें अपनी अनुविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा है। आखिरी बार अपने स्वयं से देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धवती भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उसके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग किसी फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीत एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निस्वार्थ स्वभाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता चाहते हैं, फिर US मिर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालते के पर जाता और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए ये घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइसपूर्व के लगभग 100 फंसे हुए सैनिकों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर US में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का पर्व दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यारी करते हैं और उससे ही करते हैं, जबकि नहीं तो माना ला गया था, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का या युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिवजी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। धाला मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देवल, विक्रमजीत सिंह कैप्टन कुणाल जीत, कुणाल सिंह
मैनेजर के रूप में मेजर कुणालजीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह, राजीव की पत्नी और कुणाल की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साथी के रूप में नगमा अर्थी विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की मां के रूप में कुणाल विक्रमजीत सिंह, बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा कप्तान, त्रिलोक के रूप में कपिल शर्मा, युद्ध में मृतक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी निंजोप्पा, सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकबुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विकट शोक सुरेंद्र पल, त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जकारिया, राजेश विवेक, सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है, गाने वे के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें हुआ है प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए, खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए, बेबी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने सस्मित कटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन वो से हमेशा शर्मिंदा रहे थे क्योंकि वो अभी जबरत वाली थी और अंग्रेजों में नहीं बोल पाती है, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण बॉक्स अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाई कर या बेबी की चाहती थी कि समझीत थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और स्मित जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखते हैं बात करते हैं आदतों में आधुनिक दिल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी बेदी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर लेता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय जमात प्राप्त करना असंभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसी होती है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुभान कहती बेरी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, स्मित को अर्जुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अलन लौटते पर जस्मीदीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और इसके अच्छे दोस्त और संत है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी अर्जुन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कई कानूनी पूत नहीं है, जब स्मित को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलवाया जाता है तो उसे काफ़ी गलिया दी जाती है, ईस्ट डिजिंग इंडियन रोप प्रैक्टिस जय श्री राम, साथ ही प्रिंट से चर्चित का एक उद्रंत जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ, अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्कूल में माँ बंदन डिनोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की विपरीत शामिल है, इस अवधि के दौरान पेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ एक रग्बी मैच होता है जिसमें देसी जीडियो विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मौखिक रूप से अपमानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमेनुअल या ईमान के बदले इसके साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि इनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करता है और जुर्जेन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ वे अर्जुन को मोटरसाइकिलिंग की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने साथ अब अंग्रेजों बोलने जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सद्भाव को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शे कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं, अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तारापति तब
होली होती है तो विक्रमजीत कार्रवाई को में मारा जाता है। कई साल बाद जानते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह भावी देवल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहां रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पितामिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रिश्तों की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है, उन्हें अपनी नवविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धपति भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उसके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग किसी फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीत एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निस्वार्थ स्वभाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता चाहते हैं, फिर US मीर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालने के पर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइसपूर्व के लगभग 100 फंसे हुए सैनिकों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर US में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यारी करते हैं और उससे ही करते हैं, जबकि मृत माना लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का यह युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिवजी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। धारा मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देवल, विक्रमजीत सिंह कैप्टन कुणाल, जीत कुणाल सिंह
मेजर के रूप में मेजर कुणाल जीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह, राजीव की पत्नी और कुमार की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साथी के रूप में नगमा अरती, विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की मां के रूप में कुणाल, विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा कप्तान, लोक के रूप में कपिल शर्मा, युद्ध में पृथक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी निंजोप्पा, सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विकट शोक सुरेंद्र पल, त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जकारिया, राजेश विवेक, सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है, गाने वे के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें हुआ है प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए, खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए, बेबी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने सुस्मित कटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन लोगों से हमेशा शर्मिंद रहे थे क्योंकि वो अभी की जवेत वाली थी और अंग्रेजों नहीं बोल पाते हैं, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाई कर या बेबी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसीलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और स्मित जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखते हैं बात करते हैं आदतों में आधुनिक दिल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी द्विवेदी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना असंभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसे होशी है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुहान कैथी बेरी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, सब स्मित को परजून सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनलन लौटते पर जस्मिदीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त पसंद है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी भर्जन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कोई कानूनी वजूद नहीं है, जब स्मिथ को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलियां दी जाती है, ईस्ट डिजिंग इंडियन रोप ब्रिटिश जय श्री राम, साथ ही प्रिंट से चर्चित का है कि उदरंत जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा, गुंडे के हाथ अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्कूल माँ बंधन डिनोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की भक्त शामिल है, इस अवधि के दौरान पेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी और अर्जुन के खिलाफ एक रुग्बी मैच होता है जिसमें देशी जीतियों विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मैभिक रूप से अपमानजनक होता है, इमरान को तब सुहासान के माता पिता ने इंग्लैंड छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमेनुअल या ईमान के बदले इसके साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि इनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करता है और जुर्जेन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अभियान में बाढ़ में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ वे अर्जुन को मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने साथ अब अंग्रेजों बोलने जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सद्भाव को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शो कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं, अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तारापति
गोली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई में मारा जाता है। कई साल बाद जाते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह भावी देवल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन बाहर रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं कि योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पितामिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रिश्तों की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा खर्ची रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए इंतजार किया गया है, उन्हें अपने अनुविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था। राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा था। उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव युद्धपति भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उसके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, हस्ती दिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग ही फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीत एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास इस स्वार्थ स्वभाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर US मीर में मिल जाते जाता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मंच पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालने के पर बढ़ जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइज पूर्व के लगभग 100 फंसे हुए सैनों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर US में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का पर्व दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यारी करते हैं और उससे ही करते हैं, जबकि मृत माना जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का या युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिव जी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। धारणा मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देवल, विक्रमजीत सिंह कप्तान कुणाल जीत कुणाल सिंह मेजर के रूप
रूप में मेजर कुणालजीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या, खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह, राजीव की पत्नी और कुणाल की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साक्षी की रूप में नगमा आरती, विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की माँ के रूप में कुणाल, विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा, कप्तान त्रिलोक के रूप में कपिल शर्मा, युद्ध में पृथक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी निंजोप्पा, सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विकट शोक सुरेंद्र पल, त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जखाड़िया, राजेश विवेक, सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है, गाने में के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें वाह प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस यह खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए, ये भी नैना वीडियो उनसे शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने सस्मित कटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन वो से हमेशा शर्मिंदा रहे थे क्योंकि वो अभी की जवेत वाली थी और अंग्रेजों में नहीं बोल पाती है, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाई करण या बेबी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसीलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और स्मित जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखने हैं, बात करते हैं आदतों में आकस्मिक दिल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी द्विवेदी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना संभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसे होती है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुहांश कैथी बेरी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, स्मित को अर्जुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनलन लौटते पर जश्नुद्दीन की घोषणा की थी वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडर्ड नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और संतान है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी अर्जुन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कहीं कानूनी वजूद नहीं है, जब स्मित को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलैया दी जाती है, ईस्ट डिजिंग इंडियन टोप ब्रिटिश जय श्री राम, साथ ही पिंट से चर्चित का एक ग्रंथ जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ, अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्कूल में माँ बंधन डिनोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की भक्त शामिल है, इस अवधि के दौरान पेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ एक रग्बी मैच होता है जिसमें देशी जीतिया विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मौखिक रूप से मानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमेनुअल या ईमान के बदले इसके साथ साथ लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि इनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करता है और अर्जुन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ वे अर्जुन को मोटरसाइकिलिंग की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने सात अहब अंग्रेजों बोलना जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सुविधाओं को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शो कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं, अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तारापति उद्धव
होली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई तुम्हें मारा जाता है। कई साल बाद जाते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह बॉबी देओल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहां रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने प्रीतोमिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रिश्तों की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए इंतजार किया गया है, उन्हें अपने विवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धपति भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उसके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी सेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीव एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास इस बार तो स्वार्थ से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर US मीर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मंच पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालते के पर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सता हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइसपूर्व के लगभग 100 फंसे हुए सैनों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर US में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यारी करते हैं और उससे ही करते हैं, जबकि मृत माना लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का या युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिव जी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। ढाला मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देओल, विक्रमजीत सिंह कैप्टन कुणाल जीत कुणाल सिंह मेजर के रूप में मेजर कुणालजीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह राजीव की पत्नी और कुणाल की प्रेमिका बदली सिंह
वतन डॉक्टर साथी की रूप में नगमा अर्थी विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की मां के रूप में, कुणाल विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा कप्तान त्रिलोक के रूप में, कपिल शर्मा युद्ध में पृथक कर्नल अशाफक खान के रूप में, डैनी निंजोप्पा सिकंदर खान के रूप में, आशुतोष राणा मुकुल भट्ट के रूप में, गोविंद नामदेव विकट शोक सुरेंद्र पल त्रिलोक की पत्नी के रूप में, आरती छबड़िया आरिफ जकारिया राजेश विवेक सूर्यदेव अब्दुल के रूप में, विश्वजीत प्रधान पुलिस मैन के रूप में, बी एन शर्मा गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है, गाने वे के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें हुआ है प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए, खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए, बेबी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने स्मित कटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन वो से हमेशा शर्मिंद रहे थे क्योंकि वो अभी जवेद वाली थी और अंग्रेजों में ही बोल पाती है, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाई करण या बेबी की चाहती थी कि समझित थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और स्मित जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखते हैं बात करते हैं आदतों में आत्मस्मित दिल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी बेदी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना असंभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदेब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसे होती है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुहांश कैथी बेरी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, स्मित को परचून सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनलन लौटते पर जस्मिदीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और संग है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी बर्जन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कोई कानूनी पूत नहीं है, जब स्मिथ को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलैया दी जाती है, इस डिजिंग इंडियन रोप प्रैक्टिस जय श्री राम, साथ ही पिंक से चर्चित का एक उद्रंत जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ, अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्कूल में माँ बंदन ट्रिग्नोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की विपरीत शामिल है, इस अवधि के दौरान तेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ एक रुग्बी मैच होता है जिसमें देशी जीतियों विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मैविक रूप से मानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमेनुअल या ईमान के बदले इसके साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि उनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करता है और अर्जुन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहां वे अर्जुन को मोटरसाइकिलिंग की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने साथ अब अंग्रेजों बोलने जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को पूर्ण आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सुविधाओं को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शे कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं, अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तारापति उद्धव
गोली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई में मारा जाता है। कई साल बाद जानते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह भावी देवल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहां रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल से निराश हुए क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पिता मीता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रिश्तों की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए तैनात किया गया है, उन्हें अपनी नवविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा था। उसे प्रताड़ित किया जाता है, आखिरकार वो राजीव युद्धवती भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1979 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उसके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज किम पर पाकिस्तानी सेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, अस्थि दिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग किसी फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीत एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निस्वार्थ स्वार्थ से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर US मीर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मंच पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालने के पर रहता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का डोंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सता हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइसपूर्व के लगभग 100 फंसे हुए सैनों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर US में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यार करते हैं और उसे भी करते हैं, जबकि मृत माना लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का यह युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिव जी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। धारा मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देवल, विक्रमजीत सिंह कैप्टन कुणाल जीत कुणाल सिंह मेजर के रूप में मेजर कुणालजीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह राजीव की पत्नी और कुणाल की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साथी
के रूप में नगमा अर्थी विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की मां के रूप में कुणाल विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा कप्तान त्रिलोक के रूप में कपिल शर्मा युद्ध में पृथक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी निंजोप्पा सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा मुकबुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव विकट शोक सुरेंद्र पल त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया आरिफ जकारिया राजेश विवेक सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है गाने वे के बोल समीर के लिखे हैं गाना हमें तुम्हें हुआ है प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए खुद को स्थापित किया भारत लौट आए बेबी नैना वीडियो से शादी की और चार साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने स्मित कटरीना कैफ की जन्म दिया मनमोहन गोगो से हमेशा शर्मिंदा रहे थे क्योंकि वो अभी की जरूरत वाली थी और अंग्रेजों में नहीं बोल पाती है नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण बख्श अवसरों से बाहर कर दिया जबकि उन्होंने समझाइकरण किया बेबी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए इसलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और स्मित जेज में बदल गई एक खूबसूरत युवती देखने हैं बात करते हैं आदतों में आधुनिक दिल उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी वैदी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना असंभव है हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसे होती है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है सुहांश कैथी बेरी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है सब स्मित को परजुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है अनलन लौटते पर जस्मिदीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और संत है यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी भर्जुन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कई कानूनी उत नहीं है जब स्मित को प्राउन परिवार के दोस्तों से ले जाया जाता है तो उसे काफ़ी गलैया दी जाती है इस बीजिंग इंडियन प्रोप ब्रिटिश जय श्री राम साथ ही प्रिंट से चर्चित का एक उद्रंत जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है इसमें स्कूल में माँ बंधन डिनोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की विपरीत शामिल है इस अवधि के दौरान पेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ एक रुग्बी मैच होता है जिसमें देशी जीडियो विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मैविक रूप से मानजनक होता है इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमेनुअल या ईमान के बदले इसके साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि इनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करता है और अर्जुन हुजेन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ वे अर्जुन को मोटरसाइकिलिंग की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने साथ अब अंग्रेजों बोलना जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सुविधाओं को नष्ट कर देता जाता है मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शो कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तब
होली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई में मारा जाता है। कई साल बाद जानते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह बॉबी देओल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन बाहर रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पितामिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रेस्टोरेंट की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नजर का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा खर्चती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए इंतजाम किया गया है, उन्हें अपनी विवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव युद्धभूति भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के अदृश्य पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उसके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग सी फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीत एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निस्वार्थ स्वभाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर US मीर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालते के पर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साहसपूर्वक लगभग 100 फंसे हुए सैनों काम कर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर US में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यारी करते हैं और उससे भी करते हैं, जिसकी मृत्यु माना लिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का यह युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिव जी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। ढाला मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन
प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देवल, विक्रमजीत सिंह कैप्टन कुणाल जीत कुणाल सिंह मेजर के रूप में मेजर कुणालजीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह राजीव की पत्नी और कुणाल की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साक्षी की रूप में नगमा अर्थी, विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की मां के रूप में कुणाल, विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा कप्तान, त्रिलोक के रूप में कपिल शर्मा, युद्ध में मृतक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी निंजोप्पा, सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विकट शोक सुरेंद्र पल, त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जकारिया, राजेश विवेक, सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मेल के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मलिक द्वारा रचित है, गाने में के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें हुआ है प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए, खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए, बेबी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने स्मित कटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन वो से हमेशा शर्मिंदा रहे थे क्योंकि वो अभी की जरूरत वाली थी और अंग्रेजों में नहीं बोल पाती है, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाई या बेबी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसीलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और स्मित जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखते हैं बात करते हैं आदतों में आधुनिक दिल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी वेदी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना असंभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसे होशी है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुहांश कैथी बेरी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, स्मित को अर्जुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनलन लौटते पर जस्मिदीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और समर्थक है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी अर्जुन से अपनी शादी को सलामी देने के लिए इनकार कर देते हैं कि शादी का कोई कानूनी वजूद नहीं है, जब स्मित को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलैया दी जाती है, ईस्ट डिजिंग इंडियन प्रोप ब्रिटिश जय श्री राम साथ ही प्रिंट से चर्चित का है कि उदरंत जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ, अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है जिसमें स्कूल में माँ बंडन डिनोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की विपरीत शामिल है, इस अवधि के दौरान पेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ तो एक रुग्बी मैच होता है जिसमें देशी जीतिया विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मैविक रूप से मानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना माम इमेनुअल या ईमान के बदले इसके साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि इनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करता है और अर्जुन सुजैन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहाँ वे अर्जुन को मोटरसाइकिलिंग की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने सात अरब अंग्रेजों बोल जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सद्भाव को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके
बेटर लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देवल उनके नक्शो कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं। अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है, लेकिन तारापती तब होली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई में मारा जाता है। कई साल बाद जानते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह बॉबी देवल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन बाहर रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पितामिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रेस्तरां की पार्टी में आता है और श्वेता संभाले दिव्या खोसला को दिखता है और ये इसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए इंतजार किया गया है, उन्हें अपनी विवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने सहयोग से देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा था। उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धपति भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के आदेश के पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उसके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीत एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास स्वार्थ स्वाभ से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर यूएस मीर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मंच पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालने के पर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सतह ये घायल और विनम्र किनारजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइसपूर्व के लगभग फंसे हुए सैनों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निर्धारित भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर यूएस में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यार करते हैं और उससे ही करते हैं, जबकि मैं तो माना लाल जाता, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का या युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिवजी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। ढाला मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देवल, विक्रमजीत सिंह कप्तान कुणाल, जीत कुणाल सिंह
मैनेजर के रूप में मेजर पुनर्जीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह, राजीव की पत्नी और कुमार की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साथी की रूप में नगमा आरती, विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की मां के रूप में कुणाल, विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा, कप्तान लोक के रूप में कपिल शर्मा, युद्ध में पृथक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी निंजोप्पा, सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विकेट अशोक, सुरेंद्र पल त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जकारिया, राजेश विवेक, सुबेदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मल्लिक द्वारा रचित है, गाने वे के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें हुआ है प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए, खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए, बेबी नीना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने स्मित कैटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन वो से हमेशा शर्मित रहते हैं क्योंकि वो अभी जवेद वाली थी और अंग्रेजों में नहीं बोल पाती है, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाई कर या बेबी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और स्मित जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखते हैं बात करते हैं आदतों में अनुसूचित किल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी बेबी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे शिकार कर देता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय दामाद प्राप्त करना असंभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसे होशी है जिसकी है उसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुहान कैथी बेरी मनमोहन अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, स्मित को प्रजुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनलन लौटते पर जस्मुद्दीन की घोषणा की कि वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और संगे है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी बर्जन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कई कानूनी पूत नहीं है, जब उस स्मित को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलिया दी जाती है, इंडियन रोप ब्रिटिश जय श्री राम साथ ही प्रिंस चर्चित का एक उद्रंत, जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा गुंडे के हाथ, अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्कूल में माँ बंदन मैत्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की भक्त शामिल है, इस अवधि के दौरान तेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ एक रग्बी मैच होता है जिसमें देशी जीवियों विजय होते हैं और ब्राउन उनके पति मर्जी के रूप से मानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना नाम इमेनुअल या ईमान के बदले के साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि इनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान ईसाई नहीं होने का फैसला करता है और अर्जुन कुजेन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बार में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहां वे अर्जुन को मोटरसाइकिलिंग की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने सात अहब अंग्रेजों बोल जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सद्भाव को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देओल उनके नक्शे कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं, अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तारापति
गोली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई में मारा जाता है। कई साल बाद जाते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह बॉबी देओल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहां रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, इसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल से निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपनी प्रीतोमिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रेस्तरां की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये उसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए इंतजार किया गया है, उन्हें अपनी अनुविवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने शहर से देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा है। उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धवती भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के आदेश के पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी जिसकी कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो हर्षपूर्वक लगभग ही फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीव एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निस्वार्थ स्वार्थ से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता चाहते हैं, फिर US मीर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालते के पर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सतह ये घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपनी वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है। अस्तिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो साइज पूर्व को लगभग 100 फंसे हुए सैनों कामकर्मियों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत एक कप्तान के रूप में मेना सेना में शामिल होता है, लेकिन इसके पास निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करता है चाहता है, फिर US में फिर से जाना चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और अमीर बनना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वो हमेशा मोर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। इसे श्वेता संभाली दिव्या खोसला कुमार से प्यार हो जाता है और वो उसे करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का पर्व दौरा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर सुनियोजित हमले को जोखिम डाल देते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने की ओर भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव कुमार सिंह अक्षय कुमार से प्यार करते हैं और उससे ही करते हैं, जबकि मृत्यु माना लाल जाता है, लेकिन वास्तव में वो एक कैदी का यह युद्ध है। सेना से उसे जोड़ने के वाला एकमात्र धावा टूट गया है और तब कुणालजीत को पता चलता है कि विद्रोही पाकिस्तानी अधिकारियों की मिल भगत से आतंकवादी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में भगवान शिवजी के अमरनाथ मंदिर पर बमबारी करने की योजना बना रहे हैं। कुणालजीत सभी को बचाते हैं और अपने दादा की दिल जीत लेता है। ढाला मेजर जनरल अमरजीत सिंह से मृत्यु के बाद भारत के रक्षा सलाहकार विक्रमजीत के पिता और कुणाल के दादा के रूप में अमिताभ बच्चन, प्रमोशन के बाद मेजर राजीव सिंह के रूप में अक्षय कुमार, कर्नल राजीव सिंह कुणाल के वरिष्ठ अधिकारी और श्वेता के पति लेफ्टिनेंट कमांडर के रूप में बॉबी देओल, विक्रमजीत सिंह कप्तान कुणाल जीत कुणाल सिंह
मैनेजर के रूप में मेजर कुणाल जीत सिंह, श्वेता भंसाली के रूप में दिव्या खोसला कुमार, श्वेता राजीव सिंह, राजीव की पत्नी और कुणाल की प्रेमिका बदली सिंह, तान डॉक्टर साथी के रूप में नगमा अर्थी, विक्रमजीत सिंह विक्रमजीत की पत्नी और कुणाल की माँ के रूप में कुणाल, विक्रमजीत सिंह बचपन में रूप में आकर्षित शर्मा, कप्तान त्रिलोक के रूप में कपिल शर्मा, युद्ध में पृथक कर्नल अशाफक खान के रूप में डैनी, निंजप्पा सिकंदर खान के रूप में आशुतोष राणा, मुकुल भट्ट के रूप में गोविंद नामदेव, विजय अशोक सुरेंद्र पल, त्रिलोक की पत्नी के रूप में आरती छबड़िया, आरिफ जकारिया, राजेश विवेक, सूर्यदेव अब्दुल के रूप में विश्वजीत प्रधान, पुलिस मैन के रूप में बी एन शर्मा, गीत संगीत संगीत अनु मल्लिक द्वारा रचित है, गाने वे के बोल समीर के लिखे हैं, गाना हमें तुम्हें वाह प्यार बेहद लोकप्रिय हुआ, भारतीय मूल के मनमोहन मल्होत्रा, ऋषि कपूर लंदन इंग्लैंड में फिर से बस गए, खुद को स्थापित किया, भारत लौट आए, बेबी नैना वीडियो से शादी की और 4 साल बाद उनके लिए वीजा मिला ताकि वो उनके साथ रह सके, उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने रश्मीर कटरीना कैफ की जन्म दिया, मनमोहन वो से हमेशा शर्मिंद रहे थे क्योंकि वो अभी की जरूरत वाली थी और अंग्रेजों में ही बोल पाती है, नतीजतन उन्होंने हमेशा उसे महत्वपूर्ण बक्स अवसरों से बाहर कर दिया, जबकि उन्होंने समझाइकरण या बेबी की चाहती थी कि समझी थी उसकी तरह खत्म हो गए, इसलिए उसने इसे एक अंग्रेजी स्कूल में शिक्षित किया, उसे ब्रिटिश दोस्तों के साथ घुलने मिलने की प्रोत्साहित किया और जिसमें जेज में बदल गई, एक खूबसूरत युवती देखने हैं बात करते हैं आदतों में आकस्मिक दिल, उसके पिता ने उसे एक युवा लड़के बॉबी द्विवेदी रिश्ता देशमुख से मिलने के लिए निर्धारित किया था, हालांकि तारीख एक आपदा बन जाती है और बॉबी उसे स्वीकार कर देता है, मनोहर सोचते हैं कि उन्हें एक भारतीय जमात प्राप्त करना असंभव है, हालांकि उनके ब्रिटिश पाकिस्तानी दोस्त परवेज खान आदिब खान अपने बेटे के लिए इमरान पटेल उपेन पटेल के साथ ऐसे है जिसकी है जिसके इंडोफोबिक प्रेमिका है, सुहांत कहती बेबी अनमोल अपने परिवार को भारत के दौर पर ले जाता है, स्मित को अर्जुन सिंह अक्षय कुमार से शादी करने के लिए मजबूर करता है जो अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, अनन लौट पेपर जस्मुद्दीन की घोषणा की वो चार्ली ब्राउन क्लाइव स्टैंडन नाम की एक अंग्रेज व्यक्ति से शादी करेगी जो अच्छी तरह से शिक्षित है और उसके अच्छे दोस्त और संग है, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स के साथी भी अर्जुन से अपनी शादी को सामान्य देने के लिए इनकार कर देते हैं क्योंकि शादी का कोई कानूनी सबूत नहीं है, जब स्मिथ को ब्राउन परिवार के दोस्तों से मिलाया जाता है तो उसे काफ़ी गलैया दी जाती है, ईस्ट इंडियन होप ब्रिटिश जय श्री राम, साथ ही प्रिंट से चर्चित का है कि उद्रंत जब हम भारत छोड़ेंगे तो देश में होगा, गुंडे के हाथ अर्जुन तब सज्जन के भारत की उपलब्धियों के बारे में बताता है, इसमें स्कूल में माँ बंधन डिनोमेट्री और ज्यामिति जैसे अंग्रेजी शब्दों की विपरीत शामिल है, इस अवधि के दौरान पेज अर्जुन के कबीर है जाता है जो अभी भी उसका समर्थन करता है, चार्ली ब्राउन का तब भारतीय पाकिस्तानी अर्जुन के खिलाफ एक रुग्बी मैच होता है जिसमें देशी जीडियत विजयी होते हैं और ब्राउन उनके प्रति मजबूत रूप से मानजनक होता है, इमरान को तब सुहाशान के माता पिता ने इमरान छोड़ने ईशान बनने की अपना नाम मेनुल्स या ईमान के बदले के साथ साथ एक लिखित प्रमाण देने के लिए कहा है कि उनका परिवार आतंकवादी से जुड़ा नहीं है, फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है, वो इमरान विषय नहीं होने का फैसला करता है और सुजैन को इमरान के परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, जेज को पता चलता है अर्जुन ने अंग्रेजों ने अपने बारे में उससे झूठ बोला और चार्ली ब्राउन से उसकी शादी से भाग जाता है और अर्जुन के साथ वापस भारत चला जाता है जहां वे अर्जुन को मोटरसाइकिल की सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, जब वे मोटरसाइकिल पर थे तब अर्जुन ने खुलासा किया कि सभी ने सात अहब अंग्रेजों बोल जाता था और जब वो चार्ली के चाचा के भारत पर अपमानजनक टिप्पणियों से नाराज हो गया तो उसने पहले ही सुराग छोड़ दिया था, वो कहते कि उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो अभी भी दिल से भारतीय थे, कुणाल अनिच्छा से अपने परिवार को परंपरा को बनाए रखने के लिए सेना में शामिल हो जाता है और जल्द ही खुद को क्रूर आतंकवादियों से लड़ता हुआ पाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और सद्भाव को नष्ट कर देता जाता है, मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमरनाथ बच्चन भारतीय सेना में एक समर्पित अधिकारी है, उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बेबी देओल उनके नक्शो कदम पर चलते हैं और सेना में शामिल हो जाते हैं, अमरजीत को विक्रमजीत पर बहुत गर्व है लेकिन तापती
होली होती है जब विक्रमजीत कार्रवाई में मारा जाता है। कई साल बाद जाते हैं विक्रमजीत का बेटा कप्तान कुणाल सिंह भवि देवल सेना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन वहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय वो विदेश जाते हैं, जिसमें देर सारा पैसा कमाते हैं की योजना बनाते हैं। अमरजीत कुणाल सिंह निराश है क्योंकि उसे उम्मीद है कि उसका पोता अपने पितामिता का सम्मान करने के लिए कुछ करेगा। कुणाल उस एक रिश्तों की पार्टी में आता है और श्वेता संभाली दिव्या खोसला को दिखता है और ये इसके लिए पहली नज़र का प्यार है, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देती है और उससे बचने के लिए सब कुछ करती है। हालांकि वो एक कारण से पैसा करती रहती है, उसकी एक बार शादी हो चुकी है, श्वेता को प्यार हो गया है और उन्होंने मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार से शादी कर ली। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी शादी के दिन कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है, उन्हें अपनी विवाहित दुल्हन छोड़ देना पड़ा। आखिरी बार अपने से उसे देखा था राजीव को वास्तव में पाकिस्तान अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जब वो एक सैन्य अभिनय के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहा था। उसे प्रताड़ित किया जाता है। आखिरकार वो राजीव और युद्धवती भागने में कामयाब हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध के आदेश के पाठक के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर त्रिकोणजीत सिंह की कमान के एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों के एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह ने संभाली थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी का हमला होता है, राष्ट्रीय दिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो साहसपूर्वक लगभग उसी फंसे हुए सैनिकों को बचा लेता है। वर्षों बाद विक्रमजीत का पैदा राजीव एक कप्तान के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के अपने पिता और दादा के मूल्यों का अभाव है। वो बस कुछ वर्षों के लिए सेना में नौकरी करना चाहते हैं, फिर यूएस मीर में मिल जाते चाहता है, एक व्यवसाय चलाता है और बहुत पैसा कमाता है। ऐसा पूरा करने के लिए वो हमेशा मर्च पर ना जाने का बहाना बनाता है। वो श्वेता संभालते के पर जाता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करते हैं। पदक हासिल करने के लिए वो वीरता का दंगा करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादी पर एक नियोजित हमले का हमारे खतरे का डालते हैं और परिणाम स्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकाने से भाग जाते हैं। अनुशासित और सताए हुए घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वो प्यार में है और अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से शादी करना चुकी है।